गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन 12। द टॉपिक ऑफ आवर लेसन इज़ राखी का त्यौहार। ठीक है, तो हमारे लेसन का नाम क्या है, पाठ का नाम है राखी का त्यौहार, जो कि पेज नंबर 88 पे है। तो बच्चों देखो, ये तो सभी को पता है, राखी का त्यौहार हमारा एक फेस्टिवल है इंडिया का, और एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इसके बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक कोटेशन लिखा है जिसे हम पढ़ेंगे। राखी केवल भाई बहन का त्यौहार नहीं है, अपितु ये मनुष्यता तथा भाईचारे का पर्व है। तो राखी ये मत समझिए कि सिर्फ हम भाई बहनों का ही त्यौहार है, बल्कि ये मनुष्यता मीन्स इंसानियत और भाईचारे का भी त्यौहार है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का अनोखा त्यौहार है। ये त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, है ना? ये त्यौहार जो है भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके लिए मंगल कामनाएं करती हैं। भाई भी बहनों को हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा करने का वचन देते हैं। ये आप सभी को पता है कि राखी वाले दिन बहनें जो हैं भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, और भाई भी कहते हैं कि हम हमेशा उनकी मुसीबतों में अपनी बहनों की रक्षा करेंगे। इस दिन बाज़ारों में खूब रौनक होती है, जगह जगह राखियाँ बेची जाती हैं। देखिए किस तरह से दिया पिक्चर में, कितनी रौनक है। और देखिए मिठाई की दुकान है, राखी का भी दुकान है ना, तो इसीलिए बाज़ार में बहुत रौनक रहती है। मिठाइयों की दुकान पर भारी भीड़ जमा रहती है, सब लोग अपनी अपनी पसंद की मिठाइयाँ खरीदते हैं। राखी का त्यौहार प्रतिवर्ष सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो हर साल जो है, जब सावन का महीना आता है, और सावन के महीने में जब पूर्णिमा होता है, तभी राखी का त्यौहार मनाया जाता है। इसके संबंध में कुछ कथाएं प्रचलित हैं। तो राखी के बारे में कुछ कहानियां हैं जिसे कि हमारे बुक में दिया गया है। हजारों वर्ष पहले देवताओं और राक्षसों में युद्ध होने वाला था। तो ये कहानी जो है हजारों वर्ष पहले की है, और उस समय देवताओं और राक्षसों के बीच क्या होने वाला था, लड़ाई। राक्षस बहुत शक्तिशाली थे, राक्षस जो बहुत ताकतवर थे। देवताओं के राजा इंद्र बार बार राक्षसों से पराजित हो जाते थे। पराजित होना मीन्स हार जाना। तो जो देवताओं के राजा कौन थे, इंद्र। तो इंद्र जो है वो बार बार क्या करते थे, राक्षसों से लड़ते समय हार जाते थे। इसलिए उनकी पत्नी सची ने कठोर तपस्या करके उनके लिए रक्षा सूत्र तैयार किया। तो देवताओं के राजा इंद्र जब उनकी पत्नी सची ने देखा कि राजा इंद्र जो हैं राक्षसों से हार जा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत तपस्या की, ईश्वर की बहुत तपस्या की, और उनके लिए रक्षा सूत्र बनाया। जब वे युद्ध के लिए जाने लगे तो सची ने उनकी आरती उतारी, उनके माथे पर तिलक लगाया और उनके दाएं हाथ की कलाई में वह रक्षा सूत्र बांधा। तो इंद्र राजा की पत्नी सची ने तपस्या करके जो रक्षा सूत्र बनाया था, जब देखी कि उनके पति राजा इंद्र राक्षसों से लड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले उनकी आरती उतारी, माथे पे तिलक लगाया, और जो उन्होंने रक्षा सूत्र बनाया था उसे उन्होंने इंद्र देवता के दाहिने हाथ की कलाई पर बांध दिया। तभी से ये त्यौहार स्टार्ट हो गया, आरंभ हो गया। धीरे धीरे त्यौहार का रूप बदलता गया, ये त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बन गया। ठीक है,